हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाघ एकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और गाइस, फाइनली आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका लास्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 10, हैलोजन डेरिवेटिव स्टैंडर्ड 12 का। तो गाइस, आज का फाइनली लास्ट क्लास है। आई नो कि यू आर क्वाइट, मतलब आप लोग काफ़ी बोर हो चुके हो एक्चुअली, कि इस वीडियो को देख के लाइक सो मेनी पार्ट्स, सो मच डिटेल, सो मेनी रिएक्शन, सो मेनी मैकेनिज्म्स। आई नो यार, लेकिन क्या करें, चैप्टर इतना वास्ट है, कुछ कर ही नहीं सकते। तो चलिए गाइस, देखते हैं अभी हम लोग आज के क्लास में लास्ट वाले पार्ट को। तो लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करवाई थी लास्ट वाले क्लास में। SN1 SN2 से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करवाए थे, जो कि सॉल्व एग्जांपल्स थे आपके बुक के। उसी के साथ साथ मैंने लास्ट वाले क्लास में आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी पढ़ाया था, ठीक है। और इसी के साथ में लास्ट वाले क्लास में मैंने वुड्स रिएक्शन भी कंप्लीट कराई थी। बट वुड्स रिएक्शन में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपका सेल्फ वाला वुड्स रिएक्शन कंप्लीट करवाया था, और क्रॉस वाला वुड्स रिएक्शन कंप्लीट नहीं करवाया था, मतलब ये हाइब्रिड वाला वुड्स रिएक्शन कंप्लीट नहीं कराया था। तो चलिए गाइस, आज के क्लास में हम लोग स्टार्टिंग ही वुड्स रिएक्शन से करते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको पहले मिक्स पढ़ा दूंगी और लास्ट वाले क्लास में अगर आपने सेल्फ नहीं देखा तो वो गड़बड़ी हो जाएगा। तो एक बार जल्दी से हम लोग दो स्टेप सेल्फ को देख लेते और फिर मिक्स को देख लेते। तो चलिए देखते हैं फटाफट से अपने वुड्स रिएक्शन को, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ गाइज वुड्स रिएक्शन की, ठीक है, वुड्स रिएक्शन, तो देखना ज़रा वुड्स रिएक्शन में क्या होता है। वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले लेट अस से अगर मैंने लिया है इथिल ब्रोमाइड को, C2H5Br आपका इथिल ब्रोमाइड है। वुड्स रिएक्शन में हमेशा हम लोग दो सोडियम को डालते हैं, जैसे कि बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमेशा हम लोग मैग्नीशियम का यूज़ करते हैं, वैसे वुड्स रिएक्शन में हमेशा हम लोग सोडियम मेटल का ही यूज़ करते हैं। मैंने लास्ट वाले क्लास में आपको ये भी बताया था कि कभी भी अगर एक्टिव मेटल का यूज़ करेंगे, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, तो ये मेटल का यूज़ करते वक्त अगर आपने ड्राई इथर का यूज़ नहीं किया तो पूरा का पूरा लैब जल जाएगा, आप जल जाएंगे, टीचर जल जाएगा, स्कूल जल जाएगी, इतना खतरनाक ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। तो बस यहाँ पर मैंने क्या किया, इथिल ब्रोमाइड को लिया। सोडियम मेटल हम लोग हमेशा वुड्स रिएक्शन में लेते, और यहाँ पर भी मैंने एक और इथिल ब्रोमाइड को लिया, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको लास्ट वाले क्लास में मैंने ये चीज़ बताई थी कि कभी भी ये वाले रिएक्शन करते वक्त, कभी भी आप जैसे एक इथिल ब्रोमाइड को इधर से लिख रहे हो तो दूसरे इथिल ब्रोमाइड को आप इधर से लिखेंगे, मतलब इसको ऐसा लिखेंगे और इसको उल्टा लिखेंगे, ऐसा नहीं कि इसको भी सीधा लिखेंगे। अगर आपने इसको भी सीधा लिखा और अगर आपने इसको भी सीधा लिखा तो वहाँ पे गलती ये हो जाएगी कि आप ये रिएक्शन को सिस्टमैटिकली कर ही नहीं पाएंगे और प्रोडक्ट रॉन्ग बनने की पॉसिबिलिटी 101% रहेगी। इसलिए आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को करते वक्त इसको ऐसे ही फ्रेम करना है, एक को ऐसा लिखेंगे और एक को ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ से एक Br, यहाँ से एक सोडियम और यहाँ से एक Br बाहर निकल जाते हैं, यहाँ से एक Br, यहाँ से एक Br और यहाँ से दो सोडियम बाहर निकल जाएंगे, और इससे आपका सबसे पहले बनता है ट्वाइस ऑफ NaBr, ठीक है भाई। तो सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से Br, यहाँ से दो Na और यहाँ से Br, टोटल क्या हुआ, टोटल हुआ आपका ट्वाइस ऑफ NaBr, उसको मैंने सबसे पहले बाहर किया। मैक्सिमम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट पहले बनाने के पीछे भागते और उनको प्रोडक्ट बनाते ही नहीं आता, तो आपको ये प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में नहीं फंसना है। आप सबसे पहले छोटे वाले प्रोडक्ट को घर रिएक्शन के बाहर निकालो या घर के बाहर निकालो। छोटा प्रोडक्ट अगर घर के बाहर निकल गया तो बड़े प्रोडक्ट को आप यूँ बना सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या होगा, बचा क्या है भाई, बचा है आपका ये वाला पार्ट और बचा है आपका ये वाला पार्ट। जो पार्ट बच गया उसको जोड़ देंगे, उसको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे, और प्रोडक्ट को बना लेंगे। तो चलिए भाई, ये वाला पार्ट बचा है, यहाँ पे ये वाला पार्ट बचा है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे। यहाँ है आपका C2H5, यहाँ भी है आपका C2H5, तो इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्यूटेन, ठीक है। इसका नाम है आपका इथिल ब्रोमाइड, इसका नाम है आपका सोडियम मेटल, ठीक है, इसका नाम भी है आपका इथिल ब्रोमाइड, ठीक है भाई। और ये रिएक्शन हमेशा किसके प्रेजेंस में करते हैं, ड्राई इथर के प्रेजेंस में। अगर आपने ड्राई इथर को नहीं लिया
ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में, वुड्स रिएक्शन में या और भी कोई मेटल वाले रिएक्शन में, तो लैब जल जाएगी, आप भी जल जाएंगे, हर कोई जल जाएगा वहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है भाई, तो बस याद रखना है आपको, समझ गए सारे के सारे एकदम बढ़िया तरीके से। तो ये था आपका वुड्स रिएक्शन जो मैंने लास्ट वाले क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं भाई आगे की तरफ। अब जो आपका आगे का पार्ट है, ये रिएक्शन तो लास्ट वाले क्लास में मैं डिस्कस कराई थी, ये रिएक्शन जस्ट मैंने एक रिवाइज करने के टाइप से करवाया है। अभी हम लोग मिक्स वाले वुड्स को या हाइब्रिड वाले वुड्स को या क्रॉस वाले वुड्स को देखते हैं। चलिए देखेंगे भाई अब क्या होगा। यहाँ पे देखो इथिल ब्रोमाइड है और यहाँ पे भी इथिल ब्रोमाइड है, तो इस रिएक्शन को देख के आप नोटिस क्या कर रहे हो, इस रिएक्शन को देख के आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो अल्किल हैलाइड यहाँ पे था वही अल्किल हैलाइड यहाँ पे है। मतलब ये दोनों के दोनों अल्किल हैलाइड कैसे है, सेम है, ये दोनों के दोनों अल्किल हैलाइड आपके सेम है, बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर कुछ केस ऐसा आ गया कि ये अल्किल हैलाइड एक है और ये वाला कोई दूसरा है, तब क्या होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं उस पार्ट को। सपोज़ अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आ गया और बुक में तो एकदम ख़राब तरीके से उसको दे रखा है, सिस्टमेटिकली उन्होंने बताया नहीं कि क्या होगा। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं हम लोग मिक्स वुड्स को। मिक्स वुड्स में आपको करना क्या है ज़रा ध्यान देना। वहाँ पे आपको बोल रखा है CH3Br, ठीक है, इसमें डाला है उन्होंने ट्वाइस ऑफ सोडियम, इसमें उन्होंने डाला है C2H5Br, और उन्होंने बोला है बताओ भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा ऐसे रिएक्शन में, वो ये पूछ रहे हैं। क्या किया उन्होंने, देखो यहाँ पे इथिल ब्रोमाइड है C2H5Br, यहाँ पे भी इथिल ब्रोमाइड है C2H5Br। अब दोनों के दोनों अल्किल सेम है तो रिएक्शन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं गई, बट यहाँ पे जो अल्किल हैलाइड है वो तो CH3Br है और यहाँ पे जो अल्किल हैलाइड है वो तो C2H5Br है। मतलब ये वाला अल्किल हैलाइड और ये वाला अल्किल हैलाइड दोनों के दोनों डिफरेंट है भाई, सेम नहीं है। तो जैसा रिएक्शन आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, इसमें कुछ अलग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या अलग होगा। बुक में तो डायरेक्ट दे के रखा है लेकिन मुझे तो आपको समझाना पड़ेगा ना, चलिए समझते हैं। मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप करवाती हूँ। देखो भाई क्या होगा, इसमें आपके टोटल 3 प्रोडक्ट बनेंगे, ध्यान देना। क्या होगा, सबसे पहले ये इसके खुद के साथ रिएक्ट होगा, ये इसके खुद के साथ रिएक्ट होगा। सेकंड केस में ये इसके खुद के साथ रिएक्ट होगा और थर्ड केस में ये इसके साथ रिएक्ट होगा। मतलब कहना मुझे ये है, ये वाला एक अल्किल हैलाइड है, ये वाला दूसरा अल्किल हैलाइड है। तो पता है पहले क्या होगा, पहले ब्लू ब्लू के साथ में रिएक्ट करेगा, फिर ब्लैक ब्लैक के साथ में रिएक्ट करेगा, और थर्ड केस में ब्लू ब्लैक के साथ में रिएक्ट करेगा। समझ गए ना, बिल्कुल उसी तरीके से पहले मिथिल ब्रोमाइड CH3Br खुद CH3Br के साथ में रिएक्ट करेगा, सेकंड केस में इथिल ब्रोमाइड मतलब ये C2H5Br खुद C2H5Br के साथ में रिएक्ट करेगा, और थर्ड केस में ये इसके साथ में रिएक्ट करेगा। समझे या नहीं समझे भाई, बस यही वाला आपका पार्ट है। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है ज़रा ध्यान देना, सबसे पहले CH3Br जो है वो खुद CH3Br के साथ में रिएक्ट करेगा, सेकंड केस में क्या होगा भाई देखते हैं। सेकंड केस में C2H5Br खुद C2H5Br के साथ में रिएक्ट करेगा, मतलब C2H5Br जो है खुद C2H5Br के साथ में ही रिएक्ट करेगा। ठीक है भाई, और थर्ड केस में क्या होगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, मतलब पहले ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ, पहले ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ। अब देखो क्या होगा, एक तरफ लेंगे CH3Br को और दूसरे तरफ लेंगे C2H5Br को। अब कुछ लोग बोलेंगे मैम आप हमारी 3-3 रिएक्शन की प्रैक्टिस ले रहे क्या, नहीं रे बाबा, मैं ये आपकी 3-3 रिएक्शन की कोई प्रैक्टिस नहीं ले रही हूँ, ये एक रिएक्शन से ये 3 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। ये एक रिएक्शन अगर पेपर में आ गई, सपोज़ 2 मार्क के लिए, तो आपको तीनों के तीनों प्रोडक्ट बनाने हैं। समझ गए ना, ऐसा नहीं कि आप इसके साथ में इसकी रिएक्शन करवा देंगे। थोड़ा वहाँ पे अपने माइंड को सोचना, थोड़ा सा सोचना माइंड खोल के कि भाई ये अल्किल हैलाइड डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे एक प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है, यहाँ पे 3-3 प्रोडक्ट बनने वाले हैं, एक इसका खुद के साथ,
एक इसका खुद के साथ, एक इसका इसके साथ। तो देखो CH3Br का CH3Br के साथ, C2H5Br का C2H5Br के साथ, और थर्ड CH3Br का C2H5Br के साथ। समझे या नहीं समझे? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है Br, यहाँ पे है Na और यहाँ पे है Br। जैसा यहाँ पे हुआ ना बिल्कुल वैसा ही होगा, कुछ नया नहीं होने वाला है। ठीक है भाई, यहाँ पे Br, यहाँ पे Na, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, यहाँ पे Na, यहाँ पे Br। बुक में तो क्या किया पता है उन्होंने, ये रिएक्शन दी थी ना डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट ही लिख दी थी, ये बताया नहीं कैसा हो रहा। मतलब बुक वाले तो एकदम हाइपर लेवल के, उनको लगता है सारे के सारे बच्चे MSc लेवल के। ये रिएक्शन के सामने डायरेक्ट 3 प्रोडक्ट दे दिए, बताया नहीं कि कैसे होगा। आधे बच्चे को तो बेचारे के दिमाग से ऊपर निकल जाएगा कि क्या चल रहा है भाई। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर, कर देंगे भाई रिएक्शन के बाहर। ये है Na, ये है Br, क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ NaBr, क्या बनेगा भाई? ट्वाइस ऑफ NaBr, यहाँ पे भी वैसा ही। ये है Na, ये है Br, क्या बनेगा भाई? ट्वाइस ऑफ NaBr, नीचे में भी वैसा ही होगा, ट्वाइस ऑफ NaBr। समझे या नहीं समझे भाई? अब देखो यहाँ पे आ जाओ, बच्चा क्या, यहाँ बचा है CH3, यहाँ पे भी बचा है CH3, दोनों को चिपका देंगे, दोनों को जोड़ देंगे और प्रोडक्ट को फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे है CH3, यहाँ पे भी है CH3, इसका नाम होता है भाई इथेन। समझ गए? नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे है C2H5, यहाँ पे है C2H5, दोनों के दोनों C2H5 को जोड़ देंगे, दोनों के दोनों C2H5 को चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। तो यहाँ पे आएगा आपका C2H5, यहाँ पे भी आएगा आपका C2H5। टोटल कार्बन कितने हैं? 4। जब भी कार्बन 4 होते हैं तो अल्केन का नाम क्या होता है? ब्यूटेन। समझ गए ना? चलिए यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H5 है, दोनों के दोनों CH3 और C2H5 को जोड़ देंगे, चिपका देंगे और प्रोडक्ट को फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे है आपका CH3, यहाँ पे है आपका C2H5, यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं? 2+1 3। तो इसका नाम रहेगा भाई प्रोपेन। समझे या नहीं समझे? ये तीनों के तीनों रिएक्शन ड्राई इथर के प्रेजेंस में होती है। तो बुक में आपको ये रिएक्शन दी है और उसके सामने ये 3 प्रोडक्ट दिए, उन्होंने ये नहीं बताया ये कैसे क्या फॉर्म हो रहा है, उन्होंने डायरेक्ट दे दिया। लेकिन मैंने आपको एक्चुअली समझाया कि कैसे हो रहा है। तो बुक में अगर पेपर में अगर आ गया सपोज 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए आ गया कि 3 प्रोडक्ट बन रहे, तो ऐसा नहीं कि आप बस बुक जैसा लिख देंगे तो फिर एग्जामिनर समझेगा भाई रट्टा मार के आया। आप उसको दिखाओ ना ऐसा करके, कितना बढ़िया 3 मार्क देने में एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा, वो सोचेगा वाह क्या लेवल है बच्चे का, और आपको भी पता है आपका लेवल क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करो। बुक में मार्किंग नहीं दिया है किसको कैसे करना है, बट अभी आपको समझ में आ रहा है, इसलिए प्लीज़ यार नोट्स बनाते चलो। लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अभी हम लोगों ने वुड्स रिएक्शन को तो देख लिया और अब हम लोग देखते हैं फिटिक रिएक्शन को। भाई टेंशन बिल्कुल मत लेना, आज का लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। ठीक है, टेंशन मत लेना कि और पार्ट्स बनने वाले हैं क्या। चलिए देखते हैं हम लोग फिटिक रिएक्शन को कि फिटिक रिएक्शन क्या होता है। फिटिक को आधे लोग बोलते हैं फिटिंग, फिटिंग मतलब वो फिटिंग नहीं रहे बाबा जो अपन लोग क्लॉथ्स की बोलते हैं ना, मेरे को ये फिट हो रहा है फिटिंग, वो फिटिंग नहीं है, ये फिटिक है फिटिक। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट से फिटिक रिएक्शन को। अब आधे लोग बोलेंगे मैम वुड्स फिटिक तो पढ़ाया नहीं, वुड्स के बाद डायरेक्ट फिटिक पढ़ाया, ऐसा कैसा चल रहा है? सुनो भाई, पहले वुड्स पढ़ाया। अब मैं आपको पहले वुड्स फिटिक कैसे पढ़ा दूँ? अगर बुक वालों ने क्या किया, बुक वालों ने पहले वुड्स दे दिया, देखो सुनो ज़रा, बुक्स वालों ने क्या किया, पहले आपको वुड्स रिएक्शन दे दिया, उस वुड्स के बाद में उन्होंने वुड्स फिटिक दे दिया और बाद में उन्होंने फिटिक दिया। बट क्या ये सही है? नहीं ना भाई, पहले आपको वुड्स को पढ़ना पड़ेगा, फिटिक को पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आप इनके कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे ना। मतलब वहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं है यार पढ़ाई करने की, ऐसा कुछ तो भी दे के रख दिया कि पढ़ने वाले पढ़ते बैठो, ऐसा थोड़ी दिया जाता है। पहले वुड्स पढ़ेंगे फिर फिटिक पढ़ेंगे, तभी तो वुड्स फिटिक पढ़ेंगे ना। डायरेक्टली कहाँ से वुड्स फिटिक पढ़ा दूँ मैं, जब तक कि फिटिक नहीं पढ़ाएंगे वुड्स फिटिक कहाँ से पढ़ेंगे रे भाई। तो चलिए गाइस देखते हैं, सबसे पहले फिटिक रिएक्शन को, टेंशन मत लो मैं सब कुछ कवर कराऊंगी। तो पहले फिटिक को देखते हैं, फिर देखेंगे वुड्स फिटिक को कॉम्बाइन करके एकदम कड़क तरीके से। चलिए देखते हैं। अब सुनना भाई, जो आपका फिटिक है वो बिल्कुल वुड्स की तरह है, देख लेते कैसे होगा।
नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है आपका फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में देखना भाई क्या होता है, फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, आप लेते हो अराइल हैलाइड को, ये इसी का नाम होता है। एक तो इसको आप क्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हो, क्लोरोबेंजीन के जगह पे आप इसको अराइल हैलाइड भी बोल सकते हो। आपको एक बात बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है कि वुड्स रिएक्शन में बताने वाली हूँ मैं, वुड्स रिएक्शन में आप अल्काइल हैलाइड को लेते हो जैसे कि मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, लेकिन फिटिग रिएक्शन में आप अराइल हैलाइड को लेते हो जिसमें एरोमेटिक रिंग होती है, जिसमें बेंजीन रिंग होती है, वो वाले अल्काइल हैलाइड को या वो वाले अराइल हैलाइड को आप फिटिग में लेते हो। वुड्स में अल्काइल हैलाइड जैसे कि मिथिल, इथिल, ब्यूटिल, प्रोपिल, और विट फिटिग में अराइल हैलाइड को लेते हो, ठीक है, जैसे जिसमें बेंजीन रिंग आती है, जिसमें एरोमेटिक रिंग आती है। अब क्या होगा, रिएक्शन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आप डालेंगे सोडियम को, यहाँ पे भी आपको सोडियम ही लेना है। यहाँ पे आप क्या करते हो, इसको उल्टा लिखते हो। जैसे वुड्स रिएक्शन में क्या किया था, यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड लिखा है इधर साइड में उसी अल्काइल हैलाइड को उल्टा लिखते हो, है ना। तो वैसे इस रिएक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपने अराइल हैलाइड को लिखा है वैसे इसको यहाँ पे उल्टा लिखेंगे। तो चलिए भाई लिखते हैं इसको उल्टा ऐसे ऐसे, मतलब ये आपका क्लोरोबेंजीन है तो आपका ये भी क्लोरोबेंजीन ही है, ठीक है। वुड्स रिएक्शन में भी आपने सोडियम को यूज़ किया था, यहाँ पे भी आपने सोडियम को ही यूज़ किया है। फिटिग रिएक्शन बिल्कुल डिक्टो वुड्स रिएक्शन जैसी ही है, लेकिन वुड्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड को यूज़ करते हैं और फिटिग रिएक्शन में अराइल हैलाइड को यूज़ करते हैं। फिटिग रिएक्शन में हम लोग वो वाले अराइल हैलाइड को यूज़ करते हैं जिसमें एरोमेटिक रिंग यानी कि बेंजीन रिंग होती है, ठीक है। जैसे कि आपकी जो वुड्स रिएक्शन थी वो भी ड्राई इथर के प्रेजेंस में होती है, वैसे आपकी फिटिग रिएक्शन भी भाई ड्राई इथर के प्रेजेंस में होंगी। कुछ लोग बोलेंगे क्यों ड्राई इथर, क्योंकि भाई यहाँ पे सोडियम मेटल आ रहा है, और सबको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि चाहे सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, पोटेशियम हो, अगर ड्राई इथर नहीं डाला तो क्या हो जाएगा भाई, जल जाएंगे सारे के सारे। चलिए इधर आ जाओ, आप देखो क्या होगा, होने क्या वाला है भाई, होने क्या वाला है, यहाँ से निकलेगा एक Cl, यहाँ से दो Na, यहाँ से Cl, क्या बनेगा भाई। सबसे पहले आप बना देंगे ट्वाइस ऑफ NaCl, समझे या नहीं समझे, यहाँ से दो Na, यहाँ से एक Cl, यहाँ से एक Cl, ट्वाइस ऑफ NaCl को बना दिया। अब बचा क्या भाई, बचा है यहाँ पे एक बेंजीन रिंग, बची है यहाँ पे एक बेंजीन रिंग, जो बच गया उसको जोड़ देंगे, चिपका देंगे और प्रोडक्ट को फॉर्म कर लेंगे। तो चलिए भाई यहाँ पे बचा है बेंजीन रिंग, यहाँ पे भी बचा है बेंजीन रिंग, चिपका देंगे एक दूसरे को, जोड़ देंगे, तो यहाँ पे बचा है एक बेंजीन रिंग, यहाँ पे भी बचा है एक बेंजीन रिंग, चिपका दिया भाई दोनों को। इसका नाम होता है आपका बायफिनिल। इसका नाम क्या होता है भाई, इसका नाम आपका क्या होता है, इसका नाम आपका होता है बायफिनिल, क्योंकि दो फिनिल रिंग को आपने एक दूसरे के साथ जोड़ा है, ठीक है भाई। चलिए अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसी के जैसे मैं एक और रिएक्शन ले लेती हूँ, बुक में एक ही रिएक्शन दिए बट अगर मैंने सिर्फ एक ही करा और पेपर में दूसरी आ गई तो क्या करेंगे, तो मुझे वो भी बताना पड़ेगा ना। चलिए देखेंगे, यहाँ पे मैंने लिया है ब्रोमीन को, ठीक है, इसका नाम है आपका ब्रोमोबेंजीन, ठीक है भाई। इसके अंदर में डालेंगे ट्वाइस ऑफ Na को, इसके अंदर में भी यहाँ पे आप लोग बिल्कुल उसी तरीके से लेंगे, लेकिन याद रखना यहाँ पे जैसा लिखा है उसका उल्टा यहाँ पे लिखेंगे, मतलब यहाँ पे आपने इधर से इधर लिखा है तो आप इधर से इधर लिखेंगे। अगर आपने इसके जैसा ही इसको लिख दिया तो फिर आपसे रिएक्शन नहीं होगी, और अगर हो भी गई तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा, और अगर आंसर ही करेक्ट नहीं आएगा तो भाई मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस रिएक्शन के अंदर में भी आप किसको डालने वाले हो, ड्राई इथर को, और रिएक्शन कुछ अलग नहीं होने वाली, जैसे होती है वैसे ही होंगी भाई। यहाँ से आपका निकलेगा Br, यहाँ से Na, यहाँ से Br, सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले आपका बनेगा ट्वाइस ऑफ NaBr, समझे या नहीं समझे, बच्चा क्या, यहाँ पे बचा है एक बेंजीन रिंग, यहाँ पे बचा है एक बेंजीन रिंग, दोनों के दोनों बेंजीन रिंग को जोड़ देंगे, चिपका देंगे, प्रोडक्ट को फॉर्म कर लेंगे। तो इन दोनों को जोड़ देंगे भाई, यहाँ पे है आपका एक बेंजीन रिंग, यहाँ पे है आपका दूसरा बेंजीन रिंग, जोड़ दिया दोनों को, इसका नाम भी क्या रहेगा, बायफिनिल। अब बुक में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन दी थी भाई,
लेकिन मैंने आपको दोनों के दोनों रिएक्शन करवाई, ताकि आपको पेपर में अगर कहीं से भी आ गया तो एटलीस्ट आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई ये तो मैंने देखा है, तो एटलीस्ट आपको पेपर में पसीना नहीं छूटेगा और आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को एकदम बेस्ट तरीके से करेंगे। तो क्लियर हो गया एकदम बढ़िया तरीके से। वुड्स और फिटिक एक जैसा है। वुड्स में अल्काइल हैलाइड को लेते हैं सोडियम मेटल के साथ में, फिटिक में अराइल हैलाइड को लेते हैं सोडियम मेटल के साथ में। समझे या नहीं समझे? दोनों के दोनों रिएक्शन में सोडियम आता है, दोनों के दोनों रिएक्शन एक जैसे है। समझ गए ना भाई? तो लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई अब हम लोग देखते हैं वुड्स फिटिक के कॉम्बिनेशन को। तो अभी हम लोग जो रिएक्शन देख रहे हैं उसका नाम है वुड्स फिटिक रिएक्शन। जो अभी नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं ना भाई, उसका नाम है आपका वुड्स फिटिक रिएक्शन। ये आपकी नेक्स्ट वाली रिएक्शन है, ठीक है भाई? चलिए देखते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन को। अब देखो सीधी सीधी बात, वुड्स में हम लोग कौन सा वाला अल्काइल हैलाइड यूज़ करते हैं? अल्काइल हैलाइड को यूज़ करते हैं, अल्काइल हैलाइड। और फिटिक में हम लोग कौन सा वाला हैलाइड यूज़ करते हैं? अराइल हैलाइड। अराइल का मतलब है वो भाई जिसमें एरोमेटिक रिंग होती है। तो वुड्स में हम लोग अल्काइल हैलाइड को यूज़ करते हैं, फिटिक में हम लोग अराइल हैलाइड को यूज़ करते हैं, अभी देखा था, जिसमें एरोमेटिक रिंग होती है। अब इसका नाम है वुड्स फिटिक, मतलब एक साइड में आएगा अल्काइल हैलाइड, दूसरे साइड में आएगा अराइल हैलाइड, और फिर आप उससे क्या बनाने वाले हो? फिर आप उससे बनाने वाले हो भाई प्रोडक्ट को, क्योंकि इसका नाम ही है वुड्स फिटिक रिएक्शन। मतलब एक अल्काइल, दूसरा अराइल, और कराएंगे रिएक्शन, नाम क्या रहेगा? वुड्स फिटिक। चलिए देखते हैं इस पार्ट को फटाफट से। अब क्या करेंगे भाई, सबसे पहले यहाँ पे लेंगे आप रिएक्शन को। यहाँ पे मैंने लिया है CH3Br को, ठीक है भाई? इसके अंदर में डाला है ट्वाइस ऑफ सोडियम को, और यहाँ पे मैंने लिया है इसको ब्रोमोबेंजीन को। भाई एक सबसे काम की चीज़ आपको यहाँ पे जो याद रखनी है वो ये है, ज़रा ध्यान देना। सबसे काम की चीज़ यहाँ पे ये है, वुड्स में अल्काइल था तो मैंने अल्काइल हैलाइड लिया, फिटिक में अराइल था तो मैंने अराइल हैलाइड लिया। अगर वुड्स फिटिक आया तो आपको ये दोनों का कॉम्बिनेशन वाला ही दिखाना है, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा देखो, कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला है। कभी भी अगर सोडियम मेटल आता है तो ड्राई इथर डालने का, वरना क्या होगा भाई? आप सबको पता है वरना क्या होगा भाई, जल जाएंगे सारे के सारे। समझ गए ना? चलिए अब देखो क्या होगा, यहाँ से Br, यहाँ से Na, यहाँ से Br, कुछ नया नहीं होने वाला है भाई। यहाँ से Na, यहाँ से Br, यहाँ से Br, क्या बनेगा? सबसे पहले आपका बनेगा ट्वाइस ऑफ NaBr, और क्या होगा भाई? बच्चा क्या, यहाँ बचा है CH3, रट्टा मत मारो, बच्चा क्या CH3, यहाँ क्या बचा भाई? बेंजीन रिंग। दोनों के दोनों को चिपका देंगे, दोनों के दोनों को जोड़ देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। तो यहाँ पे है आपका CH3, यहाँ पे है आपकी बेंजीन रिंग, यहाँ पे है आपका भाई बेंजीन रिंग, ठीक है? इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे बुक में तो ऐसा दिया है, फिर आपने ऐसा क्यों लिखा? अरे भाई आप कैसे भी लिख सकते हो, ऐसा लिखो कोई फ़र्क पड़ता है क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका नाम होता है भाई टोलिन। क्या नाम होता है इसका? टोलिन। ये नाम याद कर लो, अगर इसका सब्स्टिट्यूट नाम देखने जाओगे तो पेपर में फंस जाएंगे, क्योंकि पेपर में टोलिन नाम से ही आता है। और इस चैप्टर में नहीं, आने वाले 3-4 सारे चैप्टर में इसके काफ़ी रिएक्शन है, तो टोलिन याद कर लो ना भाई, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस CH3 को इस मिथिल से, इस बेंजीन से जोड़ दिया। इसका नाम है आपका मिथिल ब्रोमाइड। हमेशा रिएक्शन के नीचे उनका लिखना है। ये है आपका सोडियम मेटल, अगर ये लिखेंगे तो मार्क्स पूरे मिलेंगे। इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। आधे लोगों का सोचना यही होता है, जब पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया तो मुझे पूरे मार्क्स क्यों नहीं मिले, क्योंकि आप लोगों ने हो सकता है यहाँ पे ऐसे नाम से नहीं लिखे होंगे। चलिए अब मैं दो रिएक्शन भाई आपको दे देती हूँ, दो क्या, चलो एक ही रिएक्शन देती हूँ, ठीक है भाई? लेकिन सारे के सारे प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में डालेंगे। देखो आज का लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, फिर उसके बाद मैं चालू करने वाली हूँ अल्कोहल फिनॉल ईथर्स, और वो भी चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको एकदम एक्सप्लेन करवाने वाली हूँ। तो बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि जो रिएक्शन मैं आपको दे रही हूँ प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में उसका सिर्फ और सिर्फ, चलो भाई केमिकल फॉर्मूला नहीं बनता ना, कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट नाम ही लिख दो उसका अल्फ़ाबेट से, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी। जो प्रोपिल क्लोराइड वाला आंसर था, याद करो भाई प्रोपिल क्लोराइड वाला पार्ट नंबर 3 में,
सभी लोगों ने कमेंट्स में आंसर्स डाले थे, आई एम वेरी हैप्पी। मैंने आप सभी के आंसर्स सीरियसली जाके देखे, आपके नाम्स पढ़े, आई एम सो मच थैंकफुल टू यू गाइस। ठीक है, तो प्लीज़ बिल्कुल उस तरीके से इसको भी करो जिस तरीके से आपने प्रोपाइल क्लोराइड वाला आंसर लिखा था, आई होप यू रिमेंबर दैट। ठीक है, चलिए देखते हैं इस चीज़ को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको दे रही हूँ जस्ट फॉर होमवर्क, प्लीज़ करके डाल देना, वो है आपका C2H5Br ले रही हूँ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, और इसमें मैं डाल रही हूँ भाई आपका ये वाला, चलो यहाँ पे मैं क्लोरो ले लेती हूँ, यहाँ पे भी मैं क्लोरीन ले लेती हूँ, और ये भी मैं करवा रही हूँ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर। तो यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा प्लीज़ आप लोग जल्दी से डाल के एटलीस्ट बना दो। ठीक है, इसको आप मिथिल बेंजिन भी बोल सकते हो, टोलिन को आप मिथिल बेंजिन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो बनेगा आप उसको इथिल बेंजीन, प्रोपिल बेंजीन, ब्यूटिल बेंजीन में हिंट दे रही हूँ, वैसा भी कर सकते हो। ठीक है, रिएक्शन बिल्कुल सेम, सिर्फ ब्रोमीन के जगह क्लोरीन लगा दिया है, बाकी सब तो प्रोडक्ट आपको बनाना है। तो प्लीज़ गाइस इतना ट्राई करो जैसे कि प्रोपिल क्लोराइड को ट्राई किया था। आंसर करने से, कमेंट में लिखने से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जिसका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा पेपर में उसका क्वेश्चन की एक्यूरेसी जो रहेगी सॉल्व करने की वो भी एकदम करेक्ट रहेगी। ठीक है, तो लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोबेंजीन। देखो भाई सुनो, जो भी आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला पार्ट है मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि आपको स्किप करना है तो आप आगे भी स्किप कर सकते हो उसको, मतलब आगे बढ़ सकते हो। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कभी पेपर में पूछते नहीं हैं, 15 साल से पूछे गए भी नहीं हैं, और कभी पूछे जाएंगे भी नहीं। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये सिर्फ और सिर्फ अपने समझने के लिए होते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए कि क्यों ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ही अटैक होता है, मेटा पे क्यों नहीं होता है, क्या कोई मैजिक है, क्या कोई जादू है, ये वाली चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं आपके ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आपको ये बताते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक रिंग पे होता है या नहीं होता है। ठीक है, इसी के अलावा वो आपको बताते हैं कि कार्बन का हाइब्रिडाइज स्टेट क्या होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, बेंजीन रिंग के अंदर में। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं क्लोरोबेंजीन के, वो आपको क्लैरिफाई करते हैं। बट ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पेपर में कभी नहीं पूछते, इसलिए अगर ये आपको टफ भी लग रहा होगा तो प्लीज़ 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 इसको बिल्कुल भी ऐसा मत समझो कि बहुत टफ है, मुझे नहीं समझ रहा, इसको घुमाते घुमाते तो मैं घूम जा रहा हूँ, ऐसे सोचो मत, क्योंकि पेपर में आएगा ही नहीं। ठीक है भाई, चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इस कंसेप्ट को मुझे आपको क्लैरिफाई करना है। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। तो मैं आपको बता रही हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोबेंजीन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोबेंजीन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ भाई, ज़रा ध्यान देना सारे के सारे। देखो भाई क्या होगा, मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्लोरोबेंजीन को लिया, सारे के सारे इधर देखेंगे भाई, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन को लिया। जब भी अगर आप क्लोरीन को ड्रॉ करते हैं तो क्लोरीन के पास में टोटल हमेशा 3 लोन पेयर्स होते हैं, 3 लोन पेयर मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5 6। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे मैम ये क्या कर दिया आपने, बुक में तो ये रिंग को यहाँ पर डबल बॉन्ड के जगह यहाँ दिया है, आपने तो यहाँ निकाल दिया, गलत कर दिया। नहीं भाई नहीं, आप कहीं से भी डबल बॉन्ड लगा देख सकते हो, जहाँ से आपकी इच्छा हो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इधर साइड से बुक में ऐसा है तो पेपर में तो आएगा ही नहीं, तो मैं भी ऐसा ही लगाऊंगा, मैं भी ऐसा ही पढ़ूंगा क्योंकि बुक में ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये अपने दिमाग में ऐसे कोई क्लैरिफिकेशंस नहीं लाने के, ऐसा सोचने का जो मैंने किया है ना भाई वो सही है, मतलब जो आपने किया है ना अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, राइट। तो ये वाला चीज़ ऐसा ही रहेगा। चलिए कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे तो हमेशा सबसे पहले बेंजीन रिंग को पहले निकाल लेने का, कभी भी ये वाली चीज़ आपको याद रखना है कि सबसे पहले आप बेंजीन रिंग को पहले ही निकाल देंगे। ठीक है भाई, बेंजीन रिंग को निकाल दिया, क्लोरीन को भी इसके साथ में अटैच कर देंगे, इससे अपना काम एकदम इजी हो जाता है। अब देखेंगे जरा क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है ध्यान देना ज़रा, सबसे पहले क्या होगा भाई, ये जो आपके लोन पेयर है ये इधर से इधर आएंगे, सबसे पहले आपके लोन पेयर इधर से इधर आएंगे, जब लोन पेयर इधर से इधर आएंगे तो ये वाला डबल बॉन्ड इधर से इधर जाएगा, वही होगा भाई, लोन पेयर जब इधर से इधर आएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखना ज़रा ध्यान देना, ये वाला लोन पेयर इधर से इधर आया तो ये वाला डबल बॉन्ड इधर से इधर गया,
तो ये वाला लोन पेयर इधर से इधर आया, तो डबल बॉन्ड इधर से इधर जाएगा नेगेटिव के फॉर्म में। ये दोनों एज इट इज रहेंगे, ज़रा ध्यान दो। नहीं समझता है छोड़ दो, पेपर में नहीं आएगा, और समझता है तो समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये चीज़ से कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाला लोन पेयर जब इधर से इधर आया, तो ये वाला डबल बॉन्ड इधर से इधर गया। कुछ नहीं करना है भाई, हाइड एंड सीक गेम खेलना है, किसका? लोन पेयर और डबल बॉन्ड का, काम खत्म, ठीक है। ये इधर से इधर आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, और ये वाला इधर से इधर जाएगा, ठीक है। ये दोनों को एज इट इज, फिर क्या होगा? फिर देखो भाई क्या होगा, फिर आपका क्या होगा भाई, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर से इधर आएगा, और ये वाला इधर से इधर जाएगा, ठीक है भाई। देखो क्या होगा, जब ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर से इधर आएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में चले जाएगा, और ये वाला एज इट इज रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फिर क्या होगा, फिर ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर से इधर जाएगा, और ये वाला डबल बॉन्ड इधर से इधर जाएगा। तो जब ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर से इधर जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज, और ये वाला डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हर तरफ ये वाली चीज़ तो मेंटेन ही रहेगी, क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फिर देखो लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा, जब ये वाला इधर आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ये डबल बॉन्ड तो एज इट इज़ थे, और अब देखो क्या होगा। अब आप लोगों ने यहाँ पे जो देखा वो ये है कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है, जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो क्लोरीन के ऊपर फाइनली कोई भी चार्ज नहीं आएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फ़ायदा ये है कि जैसा स्ट्रक्चर पहले था, घूम फिर के ऑटोमेटिकली बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर आ जाता है। अंदर का मत देखो, बट जैसा पहले था बिल्कुल वैसा ही आया। डबल बॉन्ड के पोजिशन को मत देखो, एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर रिजेंबल होता है। तो ये होते हैं आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कुछ भी नहीं करना है, इसको इधर से इधर, इसको इधर, कोरा बस घुमाते जाओ, फिर इसको इधर, इसको इधर, फिर इसको इधर, इसको इधर, बस घुमाओ, कोरा घुमाओ, फिर इसको इधर, फिर उसको ऊपर, इस तरीके से। कुछ लोगों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स करते करते दिमाग घूम जाता है, भाई आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है, एकदम ईजी है, और पेपर में तो आने वाला नहीं है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, नहीं आता है छोड़ दो। देखो जो चीज़ें नहीं आती ना, उससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, छोड़ देने का, स्किप कर देने का, उसको आगे बढ़ने का, उस चीज़ को करना जो आपको सीरियसली जमता है पढ़ने के बाद, ठीक है। सबका अपना अपना लेवल होता है, अपने अपने लेवल के हिसाब से प्रिपरेशन करो। लो भाई जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स बता रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखने का है भाई, सबसे पहला पॉइंट आपको जो यहाँ पे याद रखना है वो ये है कि जो भी आपका क्लोरोबेंजीन है, इन क्लोरोबेंजीन, ठीक है, जो भी आपके कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, जो भी आपके कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ डबल बॉन्ड। मतलब ये चीज़ नहीं समझेगी, सुनो, कहना मुझे ये है कि जो भी आपके कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, दिखता है वो सिंगल बॉन्ड। कभी कभी देखो आप लोगों ने दिखा होगा, कुछ लोग दिखते ऊपर से बहुत ही अलग है और रहते अंदर से बहुत ही अलग है। मतलब बोलते हैं ना हम लोग, बिल्कुल दो फेसेस होते हैं उनको, एक एक्यूरेट वर्ड नहीं है मेरे पास, बट दो फेसेस होते हैं। बोलते कुछ अलग है, ऐसा लगता है बाप रे कितने अच्छे लोग हैं, और पता चलता है कि बाप रे क्या लोग हैं भाई, क्या ख़राब लोग हैं। मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग देखते से पहचान नहीं पाते, उनके दो फेसेस होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये क्लोरोबेंजीन है, इसके भी दो फेसेस है भाई। दिखता हम लोग को बेचारा सीधा साधा क्लोरोबेंजीन है, बट ये क्लोरोबेंजीन उतना सीधा साधा नहीं है भाई, जैसे लोगों के दो फेसेस होते हैं, दिखते बहुत अच्छे, रहते बहुत ख़राब है, बिल्कुल उसी तरीके से अपने क्लोरीन भाई साहब है। देखो भाई, देखो क्या होगा यहाँ पे, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड आपको तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, मुझे भी सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये जो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ने बताया कि ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर को शो करता है। दिखने में सिंगल है, दिखने में सिंगल है, बट एक्चुअली सिंगल नहीं है, असली में तो वो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसीलिए डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल ही नहीं भाई, नामुमकिन है, नामुमकिन। डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है भाई, नामुमकिन। मतलब आपको अगर ज़बरदस्ती डबल बॉन्ड को ब्रेक करने का है, तो बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, समझे या नहीं समझे।
चलिए भाई, ये पहला पॉइंट आपको यहाँ से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्लियर हुआ। सेकेंड पॉइंट आपको ये क्लियर होता है कि जो भी आपका कार्बन एटम है, शोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन एटम जो है भाई, वो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको शो करता है। ठीक है भाई, इतने पॉइंट यहाँ पे क्लियर होते हैं। अगर आप ध्यान से देखते हो तो सबसे काम का पॉइंट जो मैं बता रही हूँ भी आपको, वो ये है कि यहाँ पे आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो पोजिशन पे आया, यहाँ पे आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो पैरा पोजिशन पे आया, और यहाँ पे आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो पोजिशन पे आया। तो अगर मैं बात करती हूँ नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज टोटल कौन से पोजिशन पे आए? ऑर्थो पोजिशन पे और पैरा पे। क्या नेगेटिव चार्ज मेटा पे आया? नहीं। अगर आप ध्यान से क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखते हो, तो आपने यहाँ पे गाइज ये ऑब्जर्व किया कि जो भी आपका नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो पे आया, पैरा पे आया और ऑर्थो पे आया। देखो, ऑर्थो पे आया, पैरा पे आया और ऑर्थो पे आया। क्या वो मेटा पे आया? नहीं। मतलब नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आता है, पैरा पोजिशन पे आता है और ऑर्थो पोजिशन पे आता है, और मेटा पोजिशन पे आपका नेगेटिव चार्ज नहीं जाता। इसलिए जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, मतलब वो चीज़ जिसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है, वो हमेशा अटैक करता है ऑर्थो पे और पैरा पे, मेटा पे वो कभी भी अटैक नहीं करता। सबसे काम का पॉइंट। तो क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मत पढ़ो ना, नहीं आते छोड़ दो, दिमाग मत लगाओ। आपको बस इतना याद रखना है कि कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड सिंगल दिखता है, बट सिंगल है नहीं, डबल बॉन्ड है। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि क्लोरोबेंजीन के केस में जब आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किए, तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आया, पैरा पे आया, ऑर्थो पे आया, मेटा पे नहीं गया। तो न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो हमेशा ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक करेगा, मेटा पे कभी नहीं करेगा। क्यों? अरे भाई, प्लस पॉजिटिव चार्ज बोलता है, प्लस पॉजिटिव चार्ज बोलता है। नेगेटिव चार्ज भाई में तेरे बिना नहीं रह सकता। नेगेटिव चार्ज बोलता है पॉजिटिव चार्ज भाई में तेरे बिना भी नहीं रह सकता। प्लस लव्स माइनस, तो प्लस जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? अपने ब्यूटीफुल से माइनस की तरफ, और उस जगह पे वो अटैक करेगा ही नहीं जिस जगह पे नेगेटिव नहीं आता है। समझे या नहीं समझे? प्लस लव्स माइनस, लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भाई। चलिए भाई, अभी मैं करवाने वाली हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन तो मैंने लिख दी है, लेकिन मैं आपको इतना बढ़िया तरीके से समझा के दूंगी ना, ये आप यू कर लेंगे यू। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। अब कहना मुझे यहाँ पे क्या है ज़रा देखना। मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, जैसे लोग होते हैं ना, दिखते कुछ अलग है और रहते अलग ही भाई, दो फेसेस रहते हैं, दो फेसेस, बिल्कुल उसी तरीके से जो भी आपके कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है। अरे भाई, ये तो कार्बन ही है ना, कैसी बात कर रहे हो, ये तो कार्बन है। कार्बन और क्लोरीन का जो बात है, कार्बन और क्लोरीन का जो मतलब इनकी जो बात है, वो कुछ अलग ही है भाई। कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड दिखता सिंगल है, बट कैसा है, मैंने बताया था, कैसा है भाई, डबल बॉन्ड। कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड है, ठीक है, शोज डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाता है भाई, वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मतलब कहना मुझे यहाँ पे जो है वो ये है, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड आपको सिंगल दिख रहा है, मुझे भी सिंगल दिख रहा है, क्योंकि जो दो आंखें आपके पास में, वही दो आंखें मेरे पास भी है। लेकिन कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड एक्चुअली डबल नहीं, सिंगल नहीं, डबल बॉन्ड दिखाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। और बताया था भाई, डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन। सो इट्स डिफ़िकल्ट टू ब्रेक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिखता सिंगल है डबल, और डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है भाई, नामुमकिन। हाई एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है अगर आपको तोड़ने का है ज़बरदस्ती, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या कोई इजी वे? दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या कोई इजी वे है कि अगर मुझे ये कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ना है, जो कि सबको सिंगल दिख रहा है, मुझे भी सिंगल दिख रहा है, बट जो डबल है उसको अगर मुझे तोड़ना है, तो मुझे तो बहुत सारी एनर्जी लग रही है, बहुत सारा प्रेशर लग रहा है, बट क्या कोई अल्टरनेटिव वे है जिसको मैं एकदम ईजीली उसको तोड़ पाऊँ? हाँ भाई है,
तोड़ जो है उसका वो ये है कि इंसर्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इंसर्ट जो भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि नाइट्रो ग्रुप को इंसर्ट करवा दिया तो इट कैन ब्रेक इजीली. सो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक्स इजीली. ठीक है भाई, तो अभी फ़िलहाल मैंने आपको ये बताया कि कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड दिखता सिंगल है बट है सिंगल नहीं क्योंकि वो डबल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाले बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. अगर आप ज़बरदस्ती से उसको तोड़वाना चाहते हो तो आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी, बहुत ज़्यादा. अब भाई क्या कुछ लोग सोचते हैं कि इतनी एनर्जी मैं कहाँ से लाऊँगा, तो क्या कोई अल्टरनेटिव है? हाँ भाई है. अल्टरनेटिव वे है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि आपका नाइट्रो ग्रुप, उसको आप लगा दो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, तो ये कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड बहुत इजीली कम एनर्जी के साथ में ब्रेक हो जाएगा. चलिए देखते हैं. यहाँ पे आपने ये देखा ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजिशन पे क्या कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? नहीं. क्या कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे है? नहीं. इसीलिए देखो मुझे टेम्परेचर कितना ज़्यादा लग रहा, 600 केल्विन, 623 केल्विन किसको बोलते हैं, मजाक है क्या भाई ये? 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर. पता है अपने रूम का एटमॉस्फेयरिक प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर. और ये देखो कितना प्रेशर है, 300 एटमॉस्फेयर. मजाक है क्या भाई ये? लिखने में तो यू लिख दिया, इसको यहाँ पे तो बचेंगे ही नहीं हम लोग. 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, अपना रूम एटमॉस्फेयरिक प्रेशर जो जिसपे अपन लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्थ पे, वो 1 एटमॉस्फेयर है. 1 एटमॉस्फेयर, ये 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर देना पड़ रहा है तब जाके ये रिएक्शन हो रही. क्यों? क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी क्योंकि आप ज़बरदस्ती तोड़ने वाले हो. ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी भाई. टूटेगा वो, टूटेगा, टूट जाएगा अब इतना सारा बेचारा कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड. वो बोलेगा टूट जाऊँगा और वहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ से आपका क्लोरीन निकल जाएगा भाई. क्लोरीन निकल जाएगा, क्लोरीन के जगह पर आपका OH आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपका फिनॉल बन गया. बट ये रिएक्शन को करवाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल गाइस, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि इसमें इतना खतरनाक वाला प्रेशर, कितना हाई टेम्परेचर आप ले रहे हो पता है? पॉसिबल है क्या इतनी एनर्जी अपने पास में? चलो आगे बढ़ेंगे. अब क्या हुआ, क्या हुआ भाई? मैंने पैरा पोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप को लगा दिया और नाइट्रो ग्रुप कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. जब भी आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को इंसर्ट करवा देते हो, जब भी आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा देते हो, तो रिएक्शन को, रिएक्शन में कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत इजी हो जाता है. बहुत कम एनर्जी आपको लगती है इस कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 जैसे ग्रुप को लगा दिया है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर. तो यहाँ पर आपने पैरा पोजिशन पर NO2 ग्रुप को लगाया, तो अब देखो भाई पहले टेम्परेचर कितना लग रहा था, 623, और अभी कितना लग रहा है, 433. तो टेम्परेचर बहुत कम लगा, कम हो गया ना टेम्परेचर. देखो तो अगर आपने एक NO2 ग्रुप लगा दिया पैरा पोजिशन पर, तो आपका जो टेम्परेचर है देखो कम हो गया, मतलब अब आपको कम एनर्जी लगेंगी और प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर पे हो जाएगा क्योंकि देखो यहाँ कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना सारा टेम्परेचर लग रहा था. सिर्फ एक NO2 लगाने से ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे टेम्परेचर कम हो गया और प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर ही आ गया. तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, ये वाला जो नाइट्रो ग्रुप है, ये वाला नाइट्रो ग्रुप आपका एज इट इज़ रहेगा भाई, और ये वाले क्लोरीन के जगह पे आपका OH ग्रुप आ जाएगा और क्लोरीन निकल जाएगा. हर केस में वही होने वाला है, क्लोरीन के जगह पे OH आते जाएगा. पढ़ना ब्लाइंडली कोई मीनिंगलेस है, पढ़ भी लिया पेपर में नहीं आएगा करते, लेकिन अभी समझ रहा है मैंने कितने बढ़िया तरीके से आपको समझा के दिया. अब यहाँ पे आ जाओ भाई, यहाँ पे तो आपने एक NO2 ग्रुप लगाया था तो टेम्परेचर कम हो गया, यहाँ पे तो आपने दो दो NO2 ग्रुप लगाए. अगर दो NO2 ग्रुप लगाए ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे एनर्जी और कम लगेगी, एनर्जी और कम लगेगी. अब देखो भाई, अब देखो यहाँ पे 433 केल्विन था और यहाँ पे 403 केल्विन है, मतलब आपकी जो एनर्जी थी वो और कम हो गई है ना. पहले कितनी थी, पहले 650 के आसपास थी टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर. एक NO2 ग्रुप लगाया तो रिएक्शन तो हो रही है लेकिन एनर्जी कम लगी, डायरेक्ट 433 हो गया. अब एक NO2 के जगह पे आपने दो NO2 लगा दिए ऑर्थो और पैरा पर, तो एनर्जी और कम लगी.
433 से आप डायरेक्ट 403 पे आ गए। चलो भाई देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। एनोटो ग्रुप को एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पे भी एनोटो ग्रुप को एज इट इज़ लिखेंगे, और एज यूजुअल होने क्या वाला है, क्लोरीन के जगह पे किसकी एंट्री होने वाली है भाई, OH की, Cl- निकल जाएंगे। समझे या नहीं समझे? अब देखो क्या हुआ, अब तो भाई पिक्चर एक नंबर आई है। ये वाली रिएक्शन को आप मिलियन टाइम्स इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखो, मिलियन टाइम्स इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हर साल पेपर में आता है यहाँ से। ये कुछ नहीं आता है, चिल्लर पार्टी नहीं आता है, ये वाला रिएक्शन आता है, ये वाला किसी को नहीं आता करते। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने भाई तीन तीन एनोटो ग्रुप लगाए, तीन तीन, पहले तो एक ही था, फिर दो थे, और अब तो तीन तीन एनोटो ग्रुप लगाए। तीन तीन एनोटो ग्रुप लगाने से पता है फ़ायदा क्या हुआ, सिर्फ गर्म पानी डालने से ये रिएक्शन हो जाएगी। थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे बॉयल किया हुआ तो ये रिएक्शन हो जाएंगी। सोचो पहले जब कुछ भी एनोटो नहीं था तो 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर और इतना सारा टेम्परेचर, 600-650 टेम्परेचर, एक एनोटो लगाया तो 450 टेम्परेचर के आसपास और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पे हो गया, दो एनोटो लगाए तो 400 हो गया, और जब तीन तीन एनोटो लगाए और थोर पैरा पर, जब तीन तीन एनोटो लगाए और थोर पैरा पर, तो सिर्फ गर्म पानी डालने से, सिर्फ गर्म पानी डालने से ये रिएक्शन हो गई। सोचो भाई सोचो। इसलिए बोला गया है कि अगर कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने का है तो जितने ज़्यादा एनोटो ग्रुप लगाएंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, उतने ईजिली वो रिएक्शन हो जाएगी, उतने ईजिली ये कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाएगा। अब देखो भाई यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनता है, ये एनओ टू एज इट इज़, ये एनओ टू एज इट इज़, ये एनओ टू एज इट इज़, और ये क्लोरीन के जगह पे एज यूजुअल कौन आएगा भाई, OH, और क्लोरीन रिएक्शन के बाहर हो जाएगा। इसका नाम देखो क्या होता है, ये है आपका वर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। तो इसका नाम रहेगा, देखो सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो आया, फोर्थ पे आया और सिक्स्थ पे आया, तो आप इसको लिखेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। पेपर में आपको क्वेश्चन आता है हाउ विल यू प्रिपेयर, देखो क्वेश्चन लिख लो कहीं पे, हाउ विल यू प्रिपेयर, क्योंकि ये आके रहेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। आधे लोगों का तो वहाँ पे बल्ब भी नहीं जलता है कि ये कैसे प्रिपेयर करेंगे, बट आपको याद रखना है भाई 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को कैसे प्रिपेयर करेंगे। देखो ये वन है बुक में, तो इसके ऊपर ये भी नहीं दिया कि कैसे कैसे होगा, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, सेकेंड पोजिशन पे, फोर्थ पोजिशन पे और सिक्स पोजिशन पे नाइट्रो आया, तो मैंने लिखा 2,4,6। मैंने ट्राई नाइट्रो क्यों लिखा, क्योंकि तीन नाइट्रो हो गए ना, तो ट्राई नाइट्रो, और ये हुआ आपका फिनॉल। समझ गए ना भाई? बाकी अगर इसको लिखना है तो इसका भी नाम लिख देती हूँ 1,2,3,4, तो इसका नाम क्या रहेगा भाई 2,4, क्योंकि दो और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो है, यहाँ पे है नहीं, तो 2,4, नाइट्रो कितने टोटल दो, तो डाई नाइट्रो फिनॉल। अगर मुझे यहाँ पे नाम देना है तो कैसे लिखेंगे, देखो इधर 1,2,3,4, तो आप इसको कैसे लिखेंगे 4 नाइट्रो, क्योंकि फोर्थ पे नाइट्रो, एक ही नाइट्रो फिनॉल। आप इसको ऑर्थो पैरा के टर्म्स में भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, जल्दी से ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, ये सबसे काम का पार्ट है, आएगा दो मार्क दे के जाएगा, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट। अब सुनो भाई ध्यान से, मैं आपको ऐसा चार्ट दे रही हूँ, बस चार रिएक्शन बचे हैं, मैं आपको ऐसा चार्ट दे रही हूँ ना, ये चार्ट आपको कोई नहीं देगा। ये चार्ट स्पेशली मैंने बनाया है, ये एक्चुअली जेई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये चार्ट को बनाया है, लेकिन ये वाला जेई नीट पॉइंट ऑफ व्यू वाला जो चार्ट है, क्योंकि मेरे पास सारे नोट्स थे तो उसमें से मैं स्पेसिफिकली ये वाला चार्ट आप लोगों को दे रही हूँ, जबकि ये वाले आपके बुक में नहीं दिया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जेई नीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो मैंने वो चार्ट बनाया, वो चार्ट अगर मैं आपके साथ शेयर कर दूँ तो आपको बिल्कुल भी कोई रिएक्शन में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। वो चार्ट एक ऐसा चार्ट है, अगर आपने उस चार्ट को देख लिया तो आने वाले जितने भी चैप्टर्स है उसमें जितने भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहेंगे वो भाई आपके चुटकियों के खेल रहेंगे, वो आप यू खेल लेंगे, वो आप यू रिएक्शंस को लिख लेंगे, यू वो सारी चीज़ें कर लेंगे, इतना आपको इजी लगेगा। इस चैप्टर में तो वो चार्ट काम में आएगा ही आएगा, उसी के साथ साथ आने वाले तीन चार चैप्टर्स में भी वो वाला चार्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट रिएक्शन को एकदम इजी बढ़िया तरीके से सॉल्व करने के लिए। तो चलिए गाइस सबसे पहले देखते हैं उस चार्ट को, और उसके बाद मैं आपको ये सारे के सारे रिएक्शंस करा दूंगी एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए देखते हैं उस चार्ट को। अगर मैं बात करती हूँ भाई चार्ट की, तो चार्ट में टोटल आपके थ्री थिंग्स हैं,
ठीक है, चार्ट में टोटल थ्री थिंग्स है। सबसे पहले थिंग जो है आपकी वो रहेगा आपका रिएजेंट, ठीक है। रिएजेंट सबसे पहली थिंग है। रिएजेंट के अंदर में आप जो भी डालेंगे उससे आपका न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा वो आपको देखने का है, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं भाई, जल्दी से देखेंगे सारे के सारे। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो है इस चार्ट में वो आपको जो याद रखना है वो ये है कि सबसे पहले अगर आपको रिएजेंट दिया गया है, लेट अस से आपको रिएजेंट दिया है क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 दिया है, ठीक है। क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो आपको हमेशा याद रखना है कि वहाँ पे आपको Cl मिलता है। याद रखना है भाई, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 आपको हमेशा क्या देगा, आपको हमेशा क्लोरीन पॉजिटिव देता है, याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। या तो आप इसको क्लोरीन रेडिकल भी बोल सकते हो, इतना याद रखो कि वो क्लोरीन देता है। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, आगे का जो आपका रिएक्शन है उसको देखते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ के अंदर में सपोज़ मैंने डालने के लिए बोला है लेट अस से CONC H2SO4, ठीक है, अगर मैं आपको CONC H2SO4 डालने के लिए बोलती हूँ तो CONC H2SO4 जो है वो आपको हमेशा देता है SO3H ग्रुप। अगर आपको ये रिएजेंट से कौन सा ग्रुप निकलता है वो पता चल जाए तो रिएक्शंस करना तो भाई आपके बाएं हाथ का खेल है, यू कर डालेंगे आप यू, ठीक है। तो बस ये चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे हम ये चार्ट को क्यों याद रखें, अरे भाई एक चैप्टर के लिए नहीं, आने वाले चार ऑर्गेनिक के चैप्टर के लिए भी ये चार्ट काम में आएगा, तब मैं वो चार्ट आपको नहीं बताने वाली क्योंकि एक बार बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अगर किसी में किसी भी चीज़ के अंदर में मैंने आपको डालने के लिए बोला है CONC HNO3 प्लस CONC H2SO4, CONC HNO3 प्लस CONC H2SO4 डालने के लिए बोला है तो यहाँ पे आपको मिलता है NO2 ग्रुप, ठीक है भाई, याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे के पार्ट की तरफ। आगे का पार्ट आपका जो है वो है CH3Cl डालने के लिए अगर आपको बोला है, और वो भी बोला है इन प्रेजेंस ऑफ NHAl Cl3, तो आपको यहाँ पे जो मिलता है वो हमेशा मिलता है CH3। ये वाली चीज़ दिमाग में फिट कर लो भाई, आगे बढ़ेंगे। अगर मैंने आपको आगे का पार्ट लिया ये वाला CH3C(OCl), इसमें अगर मैंने डालने के लिए बोला है NHAl Cl3, तो यहाँ पे आपका बनता है भाई C(OCH3)। ये वाली चीज़ें आपको अपने दिमाग में फिट कर लेनी है। इस रिएक्शन का नाम होता है फ्रिडल क्राफ अल्काइलेशन इस रिएक्शन का नाम होता है, फ्रिडल क्राफ असाइलेशन। इस रिएक्शन का नाम होता है नाइट्रेशन। इस रिएक्शन का नाम होता है सल्फोनेशन। और इस रिएक्शन का नाम होता है हैलोजिनेशन। चलो भाई समझे या नहीं समझे एक बार जल्दी से देखो। आपको मैंने क्या बताया, आपको मैंने एक बढ़िया सा चार्ट बना दिया। जिसको ये चार्ट आ गया ना वो तो यू रिएक्शन कर लेगा। ये चार्ट इस चैप्टर के लिए भी है और आने वाले चार चैप्टर के लिए भी है, ठीक है। वहाँ पर ये चार्ट नहीं बताऊँगी, ये स्पेशली मैंने एंट्रेंस वालों के लिए ऐसे ही चार्ट बनाए तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। देखो भाई ज़रा यहाँ पे रिएजेंट क्लोरीन अगर दिखता है कहीं पे भी FeCl3 के प्रेजेंस में तो आप हमेशा वहाँ से क्लोरीन ही निकालेंगे। CONC H2SO4 दिखता है तो वहाँ से आप हमेशा SO3H को ही निकालेंगे। अगर CONC HNO3 और CONC H2SO4 का मिक्सर दिखता है तो NO2 निकालेंगे। और अगर CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 दिखता है तो CH3 को निकालेंगे। और CH3C(OCl) दिखता है तो आप निकालेंगे C(OCH3) को। समझे या नहीं समझे भाई, चलिए यहाँ पे आ जाएंगे, एकदम बढ़िया तरीके से देखेंगे इस चीज़ को। चलिए देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, ज़रा ध्यान देंगे सारे के सारे। सबसे पहले भाई मैंने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन को लिया है, क्लोरोबेंजीन को मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। इस क्लोरोबेंजीन के लिए मैंने टोटल 3-4 टाइप के रिएक्शंस को डिज़ाइन किया है। सबसे पहला रिएक्शन जो मैं लेने वाली हूँ वो है भाई इसका आपका क्लोरीन डालेंगे हम लोग इसके अंदर में, इसके अंदर में हम लोग डालेंगे क्लोरीन को इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ठीक है।
आप भी बुक में इसको ऐसे ही चार्ट के फॉर्म में लिखो, ऐसा नहीं कि पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, ऐसे कितने रिएक्शन लिखेंगे भाई, ऐसे चार्ट के फॉर्म में लिखो तो उससे क्लियर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन में आप इसके अंदर में डालेंगे कॉन्क H2SO4। नेक्स्ट रिएक्शन में आप इसके अंदर में क्या डालने वाले हैं भाई, कॉन्क H2SO4 को डालेंगे और हीटिंग करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे, थर्ड रिएक्शन में आप क्या करेंगे, इसके अंदर में डालेंगे कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4, तो देखेंगे भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा। फिर फोर्थ केस में आप इसके अंदर में डालेंगे CH3Cl को और देखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। और लास्ट केस में आप इसके अंदर में डालेंगे CH3C(OCl) को, इसके अंदर में भी डालेंगे एनहाइड्रस AlCl3। अब रिएक्शन के नाम लिखा के देने की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब क्लोरीन होता है तो हेलोजिनेशन, सल्फोनिक एसिड होता है H2SO4 होता है तो सल्फोनेशन, SNO3 और H2SO4 होता है तो उस रिएक्शन को नाइट्रेशन, यहाँ पे इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रिडल क्राफ अल्काइलेशन और इसको बोलते हैं फ्रिडल क्राफ असाइलेशन, ठीक है भाई। अब ज़रा यहाँ देखो, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, क्लोरोबेंजीन की कभी भी रिएक्शन करवाते हैं तो हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। क्यों भाई, क्यों हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है, याद करो मैंने बताया था जब क्लोरोबेंजीन के अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमेशा नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे ही जाता है, तो हमेशा आपके न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही होगा। चलो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैं अलग अलग नहीं पढ़ा रही हूँ जैसे बुक में दिया, क्योंकि ऐसे ही पढ़ता है, अगर वैसे पढ़ने का ना तो फिर कितने रिएक्शन याद रखूँगे भाई, दिमाग की भी कोई कैपेसिटी है। सबसे पहले हर जगह पे क्लोरोबेंजीन को बना दो, सबसे पहले आप हर जगह पे भाई क्लोरोबेंजीन को बना देंगे, हर जगह पे वही काम कर दो, ठीक है भाई, हर जगह पे छोटा छोटा निकालो, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा निकाल रहे, ठीक है भाई। नोट्स बनाते चलो, ऐसा नहीं कि बुक में दिया है तो मैं क्यों नोट्स बनाऊं, अभी अगर लिखने में परेशानी हो रही है, अभी अगर लिखने में ऐसा लग रहा है कि मुझे आलस आ रहा है, भूल जाओ पेपर में आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस के बिना किसी को नहीं आती भाई, कोई इतना होशियार नहीं होता है। अब ज़रा इधर देखना, रिएक्शन तो बड़ा आसान है, कुछ भी करना नहीं है, सबसे बड़ा दिमाग आपको यहाँ ये लगाना है कि ये जो है ये आपको देते क्या है, और देते क्या है उसका चार्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो अब कोई टेंशन नाम की चीज़ है नहीं। याद ये रखना है कि एक जाता है ऑर्थो पर, एक जाता है पैरा पर, एक ऑर्थो एक पैरा, एक ऑर्थो एक पैरा, एक ऑर्थो एक पैरा, ठीक है भाई, एक ऑर्थो एक पैरा, याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि हमेशा क्लोरोबेंजीन और ऑर्थो और पैरा पे दिखाता है। अब ज़रा देखो, सारे के सारे बस इधर देखेंगे, सब मैं क्लियर कराऊंगी। अगर क्लोरीन आ जाए, क्लोरीन तो क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 आपको क्या देता है, Cl, ये कोई बताएगा नहीं कि बेटा क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 Cl देता है, ये आपको अपना दिमाग जलाना है। कैसे, मैंने तो भाई क्लियरिफाई कर दिया है सब कुछ, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 क्या देता है, Cl, तो ऑर्थो पे भी जाएगा Cl, पैरा पे भी जाएगा Cl, समझे या नहीं समझे। कॉन्क H2SO4, अगर ओनली कॉन्क H2SO4 आया, अगर ओनली कॉन्क H2SO4 आया तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, SO3H, अगर ओनली कॉन्क H2SO4 आया वहाँ पे आपको क्या मिलता है, SO3H, ये कोई बताएगा नहीं कि बेटा इस रिएक्शन में SO3H बनेगा, अब आप कर लो प्रोडक्ट, ऐसा कोई नहीं आने, आपको इसको देख के दिमाग में बल्ब जल जाना चाहिए कि अगर कॉन्क H2SO4 आया, रिएक्शन का नाम सल्फोनेशन है और क्या मिलता है, SO3H, तो ऑर्थो पे भी आप लगाएंगे SO3H को और पैरा पे भी आप किसको लगाएंगे, SO3H को, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगर मैं बात करती हूँ ये दोनों के दोनों रिएक्शन की, ज़रा ध्यान देना, यहाँ कॉन्क HNO3 और H2SO4 दोनों आ रहे हैं। कुछ लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है H2SO4 में SO3H को लगाना है या, तो आपको याद रखना है अगर सिर्फ कॉन्क H2SO4 आया, ओनली H2SO4 आया तो आप SO3H को लगाएंगे, बट अगर SO3H, अगर आपको HNO3 और H2SO4 दोनों का कॉम्बिनेशन आया तो आप हमेशा वहाँ पे NO2 को लगाएंगे। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन में आ रहा है तो यहाँ पे आप किसको लगाएंगे,
HNO3 plus H2SO4 क्या देता है? NO2. HNO3 plus H2SO4 क्या देता है? NO2. तो ऑर्थो पे भी लगाएंगे NO2 को, पैरा पे भी लगाएंगे NO2 को. नीचे आ जाओ. CH3Cl in presence of anhydrous AlCl3. CH3Cl in presence of anhydrous AlCl3 क्या देता है? CH3. क्या देता है? CH3. तो ऑर्थो पे भी लगाएंगे CH3 को, और पैरा पे भी किसको लगाएंगे भाई? CH3. नीचे आ जाओ. CH3 C double bond OCl in presence of anhydrous AlCl3. CH3 C double bond OCl in presence of anhydrous AlCl3 क्या देता है? C double bond OCH3. तो भाई ऑर्थो पे भी लगाएंगे C double bond OCH3 को, और पैरा पे भी लगाएंगे C double bond OCH3 को. तो बुक के एक बड़े से पेज के रिएक्शन को मैंने एक छोटे से चार्ट के फॉर्म में लिख दिया. ये रिएक्शन में से एक रिएक्शन हर साल पेपर में आती है. कर लोगे भाई? पहला बात, सबसे पहले सारे के सारे लाइक तो डालेंगे, ठीक है भाई? लाइक तो बनता ही है अपने इतने बढ़िया टीचर के लिए, ठीक है? चलो अब ज़रा यहाँ पे देखो. क्लोरोबेंजीन आया तो हमेशा आप लोग ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही रिएक्शन को करवाएंगे. क्यों? क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के वक्त मैंने बताया था. सेकेंड थिंग, ये देख के आपको पहचानते आना चाहिए कि ये क्या देते हैं. तो ये क्या देते, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है. ये क्या देते, वो क्या देते, वो लगा दो. तीसरी थिंग, H2SO4 और यहाँ पे लफड़ा होता है क्योंकि ये हर बार आता है और बच्चे कर ही नहीं पाते. याद रखना, ओनली कॉन्क H2SO4 आया तो आपको SO3H मिलेगा. बट अगर कॉन्क HNO3 के साथ में H2SO4 आया, HNO3 और H2SO4 का मिक्सर आया, तो आपको वहाँ पे क्या मिलता है? NO2. मैक्सिमम केस में लोग ये दोनों को देख के इसको भी SO3H लगाते. आप ये गलती मत करना. ओनली H2SO4 है तो ही SO3H लगाना, और दोनों का कॉम्बिनेशन है तो NO2 आता है. NO2, समझ गए ना? यस भाई, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से. अब भाई नाम तो कोई भी देख के बता सकता है, ठीक है भाई? इसको ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन कोई भी बता देगा. नाम बुक में भी दिए, ठीक है? चलिए एक बार जल्दी से यूजेज एंड एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स को देख लेते हैं फटाफट से. लेकिन लाइक सारे के सारे मारेंगे भैया, इतना तो बनता ही है अपने टीचर के लिए, ठीक है? क्योंकि फिर मुझे आपके लिए अल्कोहल फिनॉल इथर्स चैप्टर भी तो लेके आना है. यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर एंड होता है. एक बार यूजेस क्विकली देख लेते हैं. डाइक्लोरोमीथेन जो होता है, इसको एज अ कॉम्प्रेसर आप लोगों ने देखा होगा. बहुत सारे गैसेस कॉम्प्रेस्ड होते सिलेंडर में, या परफ्यूम्स जो होते हैं, तो आप डाइक्लोरोमीथिल को भी एज प्रोपेलेंट इन एरोसल करके यूज़ कर सकते हो. लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है. इसको अगर इनहेल कर लिया तो थोड़ी देर के लिए आप लोग क्या हो जाते हैं आपको ही पता है. होश ही नहीं रहता है, इतना खतरनाक पॉइजनस होता है ये. आईज अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में इसकी आ गई तो इससे जो वेव्स निकलती है, इससे जो वाफ निकलती है, इसके जो वेपर्स रहते हैं, वो आँख के कॉर्निया को ही डैमेज कर देते. आँखों से दिखाई नहीं देता है, अंधे हो जाते हैं. सोचो इतना पॉइजनस है, ब्लाइंड हो जाते हैं, ब्लाइंड. फिर आते हैं क्लोरोफॉर्म पर. क्लोरोफॉर्म तो भाई उससे भी खतरनाक है. क्लोरोफॉर्म को अगर गलती से भी आपने सूंघ लिया तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही वो डैमेज कर देता है. ब्रेन डेड टाइप का केसेस हो जाता है. इतने खतरनाक पॉइजनस है केमिकल से. इसलिए अगर केमिस्ट्री में अपना करियर बनाने का है या केमिकल इंजीनियरिंग में जाने का है, सोच समझ के जाने का भैया, सोच समझ कर. ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली मुझे केमिस्ट्री पसंद है तो मैं लूँगा. प्रैक्टिकल जितना थियोरेटिकल ईजी होता है, प्रैक्टिकल में भाई ये लग जाती है. समझ जाओ आप लोग, ठीक है? प्रैक्टिकल बड़ा ही भारी होता है, सच में बता रही हूँ. बैठने नहीं मिलता है, 7-7 घंटे खड़े रह के प्रैक्टिकल्स करने पड़ते हैं. मैंने किए. चलिए अब देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है बहुत अच्छा सॉल्वेंट है ऑयल फैट्स रेजिन्स में. एक सोर्स ऑफ क्लोरीन भी आपको मिलता है इसे. सिर्फ दो यूजेज याद रखो. देखो इतने सारे यूजेज मत याद रखो, और ऐसा भी नहीं कि हमें पूरा छोड़ देंगे क्योंकि थ्योरी है. सिर्फ दो पॉइंट हर किसी के याद रखो. आयोडोफॉर्म के 2 पॉइंट क्या है, क्लोरोफॉर्म के बस 2 पॉइंट. पेपर में ना 5 आते, ना 1 आता है, ना 3 आते. हमेशा 2 आते हैं, 2 ही आएंगे. 15 साल से 2 ही पॉइंट आ रहे हैं. 2 पॉइंट कोई भी आपके मन से याद कर लो. फ्रियॉन जो होता है आपको पता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अपने फ्रीज में भी यूज़ होता है. और जो भी आपका DDT है वो पेस्टिसाइड की तरह यूज़ होता है. DDT का स्ट्रक्चर याद कर लेना. सो फाइनली गाइज, आपका यहाँ पे चैप्टर आई एम वेरी हैप्पी टू कंक्लूड कि ख़त्म होता है. ये वाला चैप्टर एंड होता है. प्लीज़ इस चैप्टर को पूरी तरह से पूरे पार्ट्स देखो, क्योंकि इस चैप्टर में लेंथी था बट मैंने वो सारे बेसिक पार्ट्स कवर कराए जो आपको अगले ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में भी हेल्प करेंगे. तो अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्टली नेक्स्ट चैप्टर को देखूंगा, तो भूल जाओ भाई.
क्योंकि वो नेक्स्ट चैप्टर में बेसिक जो था वो तो मैं इसी चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, समझ गए ना। इसलिए प्लीज़ इस चैप्टर को देखो, जल्दी जल्दी लाइक ठोको, जो आंसर्स मैंने आज आपको बोले हैं वो आंसर डालो, मैं आपके नाम ज़रूर देखूंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।